तो दोस्तों एसएससी जीडी एग्जाम क्लियर करने का एक ही तरीका है। अब ज्यादा से ज्यादा जो पीवीआरसीआर का क्वेश्चन पूछा गया 2012, 13, 14, 15 में जो क्वेश्चन पूछा गया वही क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप पढ़ो, वही से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन 15 में पूछा जाता है वही सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन आपका 16 में रिपीट हो जाता है, ऐसे ही चलता रहता है। इसलिए 2012, 13, 14 या 23 तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन पढ़ो, आसानी से आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इसलिए आज पीवीआरसीआर का 25 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों आप बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए, और हमारा जिस स्टूडेंट का इसी एक दो मंथ के अंदर एग्जाम है वो जरूर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही अच्छा तरह पढ़ लीजिए। और हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह डेली के डेली क्वेश्चन मिलता रहेगा इसी चैनल में। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। तो दोस्तों देख लीजिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए पार्ट ऑफ द लुसोफोनिया गेम्स। देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेल का हिस्सा नहीं है, बताओ। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्जाम में 2023 में। ओके तो दोस्तों इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 2 को चुना, जर्मनी को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 होगा राइट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया द पॉपुलेशन सेंसस इज कंडक्ट ऑन एवरी। देख लीजिए भारत का जो जनसंख्या गणना किया जाता है वो कितने वर्ष के अंतरकाल में किया जाता है, बताओ। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 3 को चुना, 10 ईयर को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा, 10 ईयर होगा राइट आंसर, ऑप्शन 3 होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैडी क्रॉप। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, कोई कोई बच्चे हंसेगा, इतने आसान क्वेश्चन आता है क्या? हाँ जरूर आता है, देखा देता हूँ पूछा गया। तो दोस्तों देखो ये आपका पीवीआरसीआर का क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का, जो बच्चा ओरिजिनल पेपर देखा उसका अंदाज हो जाएगा हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों देखो इसका राइट आंसर राइस ही है। ओके तो दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तो आप देख ही लिया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, राइस होगा राइट आंसर। ओके राइस होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच माउंटेन रेंज प्रिवेंट्स द कोल्ड साइबेरियन विंड्स फ्रॉम एंटरिंग इंडिया। देख लीजिए कौन से पर्वत श्रृंखला ठंडी साइबेरियन हवा को भारत के प्रभाव करता है, बताओ। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। इसी चारों ऑप्शन के अंदर आप सही आंसर देख लो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 1 को चुना, हिमालय को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स वाज ओरिजिनली नोन एज सदिर अट्टम। देख लीजिए निम्नलिखित में से सदिर जो शास्त्रीय नृत्य, तो दोस्तों निम्नलिखित में से जो शास्त्रीय नृत्य रूप से कौन सा मूल रूप से सुधीर अट्टम नाम से जाना जाता है, बताओ। इसका राइट आंसर बताओ। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। जो सुधीर अट्टम है वो कौन से नृत्य से जाना जाता है? तो दोस्तों भरतनाट्यम से जाना जाता है। हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 2 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फीमेल लिटरेचरी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सेंसस 2011। देख लीजिए जो जनगणना 2011 का अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या है, बताओ। 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 2 को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा 65.46% होगा राइट आंसर, ऑप्शन क्या होगा, 2 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के पहले, हमारा जिस स्टूडेंट हमारा चैनल में नया हो, और दोस्तों हमारा 99 रुपया का जो कोर्स लॉन्च हो गया है आपका एसएससी जीडी के लिए, वो कोर्स अभी तक आपने नहीं लिया तो जरूर आप इसी नंबर पे कॉल कीजिए और वो कोर्स खरीद लीजिए। ओनली 99 रुपया में जीके, मैथ, रीजनिंग, साइंस, इंग्लिश मैक्सिमम मिल जाएगा। तो दोस्तों आप जरूर कॉल कीजिए और ले लीजिए। जीके का ही सिर्फ 1200 क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आपका टोटल 1700+ क्वेश्चन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जरूर कॉल कीजिए और पीडीएफ ले लीजिए, कोर्स खरीद लीजिए। और ये क्वेश्चन आपका सभी 2012, 2013, 2014, 2015 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चन पूछा गया, वही क्वेश्चन देंगे। तो दोस्तों जरूर कॉल कीजिए और पीडीएफ खरीद लीजिए, कोई धोखाबाजी कोई फ्रॉड नहीं होगा। अभी आपका व्हाट्सअप नंबर पे चला जाएगा, हमारा एकेडमी के तरफ से अभी मिल जाएगा। कस्टमर केयर नंबर है, यहाँ पे आप कॉल कीजिए और ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ देयर इज ए माइक्रो न्यूट्रिएंट, देख लीजिए इनमें से कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, बताओ। चारों ऑप्शन में सही आंसर चुन लो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन वन को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, होगा राइट आंसर। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होता है वो आयरन है, ओके, लोहे होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्मेड व्हेन लीड रिएक्ट्स विद कॉपर क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड के साथ लीड प्रतिक्रिया में पर क्या उत्पादन बनता है या होता है, बताओ इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ देखता हूँ कौन कौन बच्चे इसका राइट आंसर दे पाता है। तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 4 लीड क्लोराइड एंड कॉपर को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ई कृष्णन लेयर इज एसोसिएटेड विथ व्हिच फॉर्म ऑफ डांस, देख लीजिए ई कृष्णन लेयर निम्नलिखित में से कौन से नृत्य के किस रूप से जुड़ा हुआ है, बताओ इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 4 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम, होगा राइट आंसर। जिस स्टूडेंट ऑप्शन 4 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया इन 1923 बाय द, देख लीजिए 1923 में भारत में जो रेडियो प्रसारण शुरू हुआ वो कहाँ से हुआ था, बता दो। 1, 2, 3, 4 सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 1 को चुना, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विथ व्हिच कंट्री डिड इंडिया हैड ए वॉर इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन इन 1962, देख लीजिए 1962 में भारत ने किस देश में मैकमोहन लाइन के खिलाफ युद्ध किया था, बताओ इसका राइट आंसर बताओ। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर आप पहले सुनो, जो इंडिया और चाइना का बीच मैकमोहन है ये भी जानकारी आप अच्छा तरह देख लीजिए, जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना के बीच ये मैकमोहन लाइन है, ओके। तो दोस्तों मैकमोहन लाइन किसके बीच है, इंडिया और चाइना, तो किसके साथ होगा, इंडिया और चाइना के बीच में ही हुआ था, ओके, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, हु होस्ट द 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप, देख लीजिए 2011 जो क्रिकेट विश्व कप किस ने मेजबानी की थी, बताओ कौन से देश के द्वारा मेजबानी किया गया था, बता दो 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में हुआ था, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, मेजबानी देश इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है,
एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इज द बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। देख लीजिए, एल्यूमिनियम भारत में डैश सबसे महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। बताओ इसका राइट आंसर बता दो, फोर्थ में है या थर्ड में या सेकंड या फर्स्ट, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 3 को चुना, सेकंड को चुना, द्वितीय स्थान को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड होगा राइट आंसर। क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो थर्ड है लेकिन सेकंड दूसरा स्थान पे है। ओके, टू या फिर टू लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर प्रेशर इज मेजर्ड बाय, देख लीजिए वायुमंडल का दाब किसके द्वारा मापा जाता है, बताओ 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ जो वायुमंडल का जो दाब है वो बैरोमीटर से मनाया जाता है, हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 1 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज, देख लीजिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है कितना है, बताओ 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बता दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा तरह इसका राइट आंसर दिखा दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर आप राइट आंसर ऑप्शन 3 को चुना तो उसका राइट आंसर 1 होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लाइट फोकस किया है, फोकस एक प्रकार क्या है, पावर है, ऊर्जा है, क्या है बताओ, या अवयव है बताओ। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 2 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा एनर्जी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लीड पेंसिल इज, जो लीड पेंसिल का निर्माण से प्रयुक्त सामग्री क्या है, बताओ ग्राफाइट है, माइका, कोल, कार्बन, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 1 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राफाइट होगा राइट आंसर, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए द लाइटेस्ट मेटल, देख लीजिए निर्मल के द्रव्य से सबसे हल्का धातु कौन सा है, बताओ 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन, बताओ बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, आपका लिथियम होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 19 नंबर क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द एटम, देख लीजिए जिन्होंने परमाणु की खोज की, किसने की थी बता दो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 3 को चुना, जॉन डाल्टन को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर, जॉन डाल्टन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द हार्टबीट रेट ऑफ ए यंग हेल्दी मैन, देख लीजिए एक सुस्त युवा का जो आदमी का दिल का धड़कन कितना बार होता है, कितना बार होता है बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट 72 times 72 बार को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन, देख लीजिए जो आयरन का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क है क्या है बता दो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों आयरन का सबसे महत्वपूर्ण आयस्क है हिमाटाइट, हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 2 को चुना सॉरी 1 को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा हिमाटाइट होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो फर्स्ट वोमेन चीफ मिनिस्टर इन इंडिया, देख लीजिए भारत में पहली बार जो महिला मुख्यमंत्री वो कौन थे, बताओ 1 2 3 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन सुचिता कृपालिनी को चुना उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सुचिता कृपालिनी होगा राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 23 नंबर क्वेश्चन है,
इन व्हिच स्टेट इज श्री हरिकोटा लोकेटेड। देख लीजिए श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है बता दो, केरल राज्य में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश या ओडिशा, इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 3 को चुना, आंध्र प्रदेश को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन व्हिच स्टेट इज राणा प्रताप सागर एटॉमिक पावर प्लांट लोकेटेड। देख लीजिए राणा प्रताप सागर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है बताओ, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसी चारों ऑप्शन के अंदर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बताओ, बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सन टेम्पल लोकेटेड इन इंडिया। देख लीजिए भारत में जो सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है बता दो, 1, 2, 3, 4 इसका राइट आंसर बता दो। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन बताओ, तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हमारा जिस स्टूडेंट ऑप्शन 1 को चुना, उड़ीसा को चुना, उसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा होगा राइट आंसर। तो दोस्तों 25 क्वेश्चन के अंदर कितना क्वेश्चन आया जरूर कमेंट सेक्शन में बता देना, और हमारा जिस स्टूडेंट एक कोर्स अभी तक नहीं खरीदा तो दोस्तों जरूर इसी नंबर पे कॉल कीजिए, कस्टमर केयर अभी धरेगा और आप इसी 99 रुपया पेमेंट करके, ओनली 99 रुपया पेमेंट करके वो कोर्स आप खरीद लीजिए। तो दोस्तों जरूर अभी कॉल कीजिए और ले लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।